हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज ऑटो स्ट्राइक के बारे में बताऊंगा कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू से ऑटो स्ट्राइक प्राइस करना चाहते हो तो उसका सेंटेक्स क्या बनेगा और किस तरीके से कर सकते हो और कौन सा वेरिएबल कैसे काम करता है। तो अगर आपने अपस्टॉक की एपीआई की वीडियो ना देखी हो वो देख लेना कि अपस्टॉक की एपीआई कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड जब भी आप इस चीज़ को कर पाओगे तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं, नेक्स्ट लेवल बोर्ड पर। आपको यहाँ जाना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे आप इंटरनल डैशबोर्ड पे आ जाओगे। इस तरीके से आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर जाने के बाद आपको अपनी एपीआई कनेक्ट कर लेनी है। तो मेरी एपीआई पहले से कनेक्ट है, मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ जाओगे और अपस्टॉक V2 आप देखोगे तो यहाँ कनेक्ट है, पर मैं आपको नीचे ले जाके दिखा देता हूँ एक बार। तो अपस्टॉक V2 पे गया और आप देख सकते हो कनेक्ट है। तो मैंने मॉर्निंग में कनेक्शन बना लिया। अगर आप देखोगे तो ये करीबन मैंने इस टाइम पे कनेक्शन बनाया था। अगर पेज रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार, 9:00 पे मैंने कनेक्शन बना लिया था और जिसकी वजह से अब मेरे ऑर्डर जाएंगे। तो अब आ जाते हैं, हमें एक पेज की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है हमें एक सिंबल पेज की और एक सेंटेक्स पेज की। तो हम सेंटेक्स पेज को ओपन कर लेते हैं और सिंबल पेज को ओपन कर लेते हैं। तो सिंबल का जैसे फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आपको ग्लोबल फाइल में जाना है। ग्लोबल सिंबल में जाने के बाद यहाँ पर आप अगर बैंक निफ्टी पे काम करते हो तो बैंक निफ्टी टाइप करना है। मैं आपके सामने टाइप करके दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी, ठीक है जी। अभी के सिनेरियो के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि जो बैंक निफ्टी में जब आप बैंक निफ्टी टाइप करोगे तो जो इसमें वीकली एक्सपायरी होती है, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक जो होती है आपको नंबर में एक्सपायरी सर्च करनी है। एज एग्जाम्पल 23 सन हो गया और 7वां महीना हो गया और 13 तारीख हो गई। जो 13 तारीख है तो ये देखो सर्च रिजल्ट जो नीचे आ रहे हैं वो नंबर में आ गए। अगर ये मंथली सर्च करनी होती है तो हमें 23 जुलाई डालना होता और ये सर्च में आ जाती है। अगर सर्च रिजल्ट देखोगे तो नीचे चेंज हो जाएंगे, देखो चेंज हो रहे क्योंकि मंथली आ रही। तो अभी हम क्या करते हैं 23/7/13 डाल देते हैं। तो ये वीकली एक्सपायरी आ गई हमारे पास नेक्स्ट वीक की और हम इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम इसी में काम करेंगे, इसके बाद हम समझाएंगे। तो मैंने क्या करा है, बैंक निफ्टी सिंबल कॉपी करा, उसके साथ एक्सपायरी कॉपी करी। स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन टाइप की अभी हमें जरूरत नहीं है। और फिर हम आएंगे सेंटेक्स पे। तो मैं आपके सामने सेंटेक्स का पेज ओपन कर लेता हूँ। सेंटेक्स का पेज ओपन करने के लिए कुछ नहीं करना, वैसे तो मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। ये रहा सेंटेक्स का पेज। बाहर जाओगे तो सेंटेक्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सेंटेक्स पेज पे पहुंच जाओगे। तो आपको इतना करना है। तो अभी हम सेंटेक्स पेज पे आते हैं। यहाँ पर आपको अपस्टॉक V2 सर्च करना पड़ेगा। तो अपस्टॉक V2 आपको नीचे मिलेगा, आई थिंक ये रहा अपस्टॉक V2। और यहाँ पर आपको अपस्टॉक V2 सेलेक्ट करने के बाद ऑटो स्ट्राइक प्राइस में जाना है। ऑटो स्ट्राइक प्राइस में जाने के बाद आपको कवर पे क्लिक करना है। कवर पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन शो होंगे, विदाउट क्लोज और विथ क्लोज। अब मैं दोनों का मतलब समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। विदाउट क्लोज का मतलब कि ये ऑर्डर लगाएगा आपकी प्रीवियस पोजीशन को काटेगा नहीं, और विथ क्लोज का मतलब ये आपकी पोजीशन को काटेगा भी। तो ये इसका काम होता है। तो आपको क्या करना है, विथ क्लोज सेलेक्ट करना है। अब आप सी बाय करना चाहते हो, पी बाय करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं सी सेलेक्ट कर देता हूँ। और सी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंबल डालना है जो हमने कॉपी करा था। NFO सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी के अंदर हम 25 ले लेंगे क्योंकि लॉट साइज 25 है। बाय सेलेक्ट करेंगे, मार्केट सेलेक्ट करेंगे, इंट्राडे करेंगे। अच्छा, नियर बाय क्या है, नियर बाय मैं आपको समझा देता हूँ। एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस के बीच में जो गैप होता है उसे नियर बाय कहते हैं। तो बैंक निफ्टी में 100 रुपये का गैप चलता है, निफ्टी के अंदर 50 रुपीज का गैप चलता है, एंड ऐसे अलग अलग स्टॉक में अलग अलग गैप चलते हैं। तो मेरे को बैंक निफ्टी और निफ्टी का पता है, तो हम 100 डालेंगे, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं। कैलकुलेशन में हम 0 डालेंगे, इसका भी मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज मानो कि आपका जो ऑटो स्ट्राइक प्राइस बना वो बना 42,000 रुपये और आपको 5 स्ट्राइक नीचे चाहिए, मतलब 5 इन द मनी चाहिए आपको, मतलब आपको 41,500 का चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप 500 डालोगे और माइनस सेलेक्ट कर दोगे। ये नहीं करोगे कि 5 डाल के माइनस सेलेक्ट करो। कई लोग क्या करते हैं, लोग 1 डाल के 2 डाल के माइनस करते हैं। नहीं, जो स्ट्राइक प्राइस का गैप है उसको आपको करके माइनस सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ खाली नंबर डालना है, मैं डाल देता हूँ 5, अभी तो 0 डालता हूँ, आपको जब करना होगा 500 डाल के माइनस कर देना। जब 0 करोगे, प्लस माइनस कुछ भी करो, डजंट मैटर, जनरेट। तो ये हमारा एक कोड जनरेट हो गया जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, हम इसमें कह रहे हैं कि पुरानी पोजीशन काटो और नई पोजीशन ऐड करो। तो इसकी हमारा कोड हो गया अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू। इसे हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे।
एंड ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद एक कलर्स बनाएंगे। एक कलर्स बनाने के लिए हम एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं, आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो उसके अंदर आपको डाल देना है। एक बाय के अलर्ट्स में बाय का सेंटेक्स डाल देना, सेल के अलर्ट्स में सेल का सेंटेक्स डाल देना, देन आपके ऑर्डर ऑटोमेटिकली जाते रहेंगे। पीसी ऑन हो ऑफ हो ये मैटर नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, ऐड अलर्ट करते हैं और यहाँ पर जाने के बाद सेंटेक्स को डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं टेस्ट, टेस्ट नाम डाल दिया। अच्छा, इसमें एक चीज मिस हो गई, नोटिफिकेशन में जाके आपको अपना वेबुक डालना है। जैसे ये वेबुक चेक मार्क नहीं होगा, आपको चेक मार्क करके यहाँ वेबुक डालना है, मेरा पहले से डला हुआ है। वेबुक आपका कहाँ मिलेगा वो दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको जब जैसे ही डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा वेबुक, क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा, ये ऊपर आ रहा है ऊपर सक्सेसफुली कॉपी, एंड इसे आपको ऐड करना है। मैंने पहले से ऐड कर रखा है इसलिए मैं क्रिएट कर देता हूँ। जैसे आप अलर्ट्स क्रिएट करोगे अलर्ट्स आपका यहाँ आ जाएगा, मैं इसे बंद कर देता हूँ, एक दूसरा अलर्ट्स पहले से क्रिएट था। तो अगर आप देखोगे तो मेरा एक अलर्ट्स आ गया टेस्ट नाम से, और अब इसको हम देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैं ये कैंडल इस लाइन से टच होगी तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग व्यू पे लग जाएगा। अगर आप देखोगे, और सॉरी ट्रेडिंग व्यू पे कह रहा हूं मैं, ये आपका ऑर्डर जो है कहां पर लगेगा, अप स्टॉक पे लग जाएगा। तो अप स्टॉक पे देखो मेरे पास फंड नहीं है, टेस्टिंग अकाउंट है। तो अगर आप देखोगे तो आपको ये ऑर्डर रिजेक्ट ऑर्डर में शो होगा। अभी आप लास्ट ऑर्डर देख सकते हो, 2:20 पे एनटीपीसी का ऑर्डर मैंने एक टेस्ट करा था, पर आपको ये रिजेक्ट में शो होगा। जब आप रियल फंड से काम करोगे तो आपको ये पोजीशन में शो होने लग जाएगा। तो मैं अभी ये ऑर्डर लगा के आपको ट्रिगर करा के दिखा देता हूँ, एंड जैसे मैं इस लाइन को इस कैंडल के इस करंट पे रखता हूँ तो अलर्ट्स आएगा यहाँ पर, ये अलर्ट्स आया। एंड अगर आप इस पे जाओगे तो ये ऑर्डर रिजेक्ट भी हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि फंड नहीं है। तो मतलब ये ऑर्डर आ गया, आप देख सकते हो 3:03 पे आया। इस तरीके से आपका ये ऑर्डर लग जाएगा। अगर मेरे पास पुरानी पोजीशन होती तो ये उस पोजीशन को काटता और नई पोजीशन कॉल की ऐड कर देता। एंड सेकंड थिंग, जैसे आप ये कॉल का सेंटेक्स बनाते हो ऐसे आपको पुट का बनाना है, बस आपको ये कॉल के बदले पुट कर देना है एंड जनरेट कर देना। अब ये पुट का सेंटेक्स हो जाएगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ऐड अलर्ट्स में जाता हूँ। आप चाहो तो दूसरा अलर्ट्स बना सकते हो, आप चाहो तो इसी का यूज कर सकते हो, मैं दूसरा अलर्ट्स बना लेता हूँ। एंड इसका पहले कलर चेंज कर देता हूँ रेड करके। अब इस केस में क्या होगा कि मेरी जो पोजीशन है, टेस्ट टू नाम डाल देता हूँ, पुरानी पोजीशन कट जाती है अगर मेरे पास कोई पोजीशन होती है, और नई पोजीशन पुट की लग जाती है। तो बाई साइड में पुट की लग जाती है। अब मैं इसे भी ट्रिगर करता हूँ, जैसे मैं इस लाइन पे रखूंगा राइट साइड में देखना आप अलर्ट्स आएगा, जब भी अलर्ट्स आएगा। तो अलर्ट्स आया टेस्ट टू का और मैं इधर जाऊंगा तो ये देखो पहली मेरी कॉल बाई हुई थी, अब मेरी पुट बाई हुई। तो बाई हुई नहीं क्योंकि फंड है नहीं मेरे पास, तो आप स्टॉक का अकाउंट ही नहीं है, मैं एक फ्रेंड अजय का अकाउंट यूज कर रहा हूँ एज ए डेमो पर्पस के लिए। तो दोनों ट्रेड लग गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ऑटोमेशन करा जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कुछ क्वेरी होगी, वो क्लियर कर देता हूँ। पहली क्वेरी लोगों की क्या आती है, क्या हम मल्टी ट्रेड कर सकते हैं इस तरीके से? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आपने एक एपीआई ऐड, जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार एपीआई क्रेडेंशियल पे, आप देख रहे हो मेरे पास एक एपीआई ऐड है। इसी तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर या अपने फ्रेंड की मल्टी एपीआई ऐड कर दो, जो ऑर्डर आप लगाओगे ऑटोमेटिक उनका लग जाएगा। पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो ऑर्डर हमारे सिस्टम, मतलब हमारे वेबुक से जाना चाहिए या ट्रेडिंग व्यू से जाना चाहिए, जिस तरीके से हम डाल के दिखा रहे हैं। ये नहीं कि आप सिस्टम में जाके मैनुअल ऑर्डर लगाओ। दूसरी क्वेरी बहुत ज्यादा ये आएगी कि हाँ सर क्या चीज ये किसी भी इंडिकेटर के साथ कर सकते हैं? हाँ, जिस इंडिकेटर में आप अलर्ट्स लगा सकते हो उसी के साथ कर सकते हो। मैंने एज ए डेमो पर्पज से हॉरिजेंटल लाइन लिए, आप कोई भी इंडिकेटर ले सकते हो। अब आपका कोई और सवाल हो कि हाँ भाई कोई समझ नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, तो आप क्या करना, आप होम पे आना। होम पे आने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज मिलेगा, और यहाँ पर आने के बाद आपको हमारा कॉन्टैक्ट अस के पेज मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेना, जैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पर आप सपोर्ट मांग सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये रहा, एंड वहाँ से आपको कोई भी क्वेरी होगी वहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।